आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं, कितने परसेंट पास हैं, कितने को पूरक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कितने को अपात्र घोषित कर दिया गया है, कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में हैं और कितने स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन में हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना कंपटीशन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आपका, देखिए टॉपिक है CGPSE 12th रिजल्ट 2021। ठीक है, इसमें देखिए मतलब जो आपका कक्षा 12वीं है उसमें कुल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो कुल विद्यार्थी 289,023 पंजीकृत थे, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें अगर बॉयज़ की संख्या देखें तो 135,254 और गर्ल्स की संख्या देखें तो 155,769, तो इतने बॉयज़ और गर्ल्स जो है रजिस्टर्ड हुए थे 2021 में कक्षा 12वीं के लिए। अब इसमें देखिए पेपर दिलाने के बाद कुल कितने विद्यार्थी अपात्र हो गए, तो कुल मिलाकर 2,402 विद्यार्थी अपात्र हो गए इसमें, और बाद में जो परिणाम घोषित किए जाएंगे वो हो जाएगा 341। तो 2,402 जो है कुछ मिस्टेक की वजह से अपात्र कर दिए गए हैं और कुछ कमियों की वजह से 341 स्टूडेंट का रिजल्ट बाद में घोषित किया जाएगा। आज देखिए कितने लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया है, आज परिणाम घोषित किए गए 284,107, जिसमें बालकों की संख्या है आपका 130,561, जबकि गर्ल्स हैं इसमें आपका 153,546। देखिए इसमें फिर टोटल जो 284,107 स्टूडेंट थे उसमें से कुल पास हुए हैं 276,817, यानी अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो देखिए कितना होगा 97.43%, इतने परसेंट स्टूडेंट जो है इसमें पास हुए हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। ये जो डिटेल्स है बहुत ही मुश्किल से निकाला गया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कुल स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी कुल कितने पास हुए हैं, 276,817। अगर इसको अपन अलग अलग देखें बॉयज़ और गर्ल्स के फॉर्म में, तो इसमें कुल जो पास हुए हैं बालिका यानी जो गर्ल्स पास हुए हैं वो है 98.06%, इतने परसेंट गर्ल्स पास हो चुके हैं। साथ में जो बॉयज़ है वो 96.69, गर्ल्स कितने पास हुए हैं तो 98.06 और बॉयज़ कितने पास हुए हैं तो 96.69%, तो यहाँ पर गर्ल्स ने बाजी मार लिया है। अब इसमें देखते हैं कितने लोग प्रथम श्रेणी में आए हैं, तो जो एक तो आपका जो टोटल 284,107 स्टूडेंट थे उसमें से 271,155, देखो कितना ज़्यादा है, 271,155 कुल पास हुए हैं 276,817, उसमें फिर 271,155 फर्स्ट डिवीजन पाए हैं, जिसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा ये 95.44%। सोच सकते हैं आपको कितना कंपटीशन होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। द्वितीय श्रेणी में केवल कितने स्टूडेंट हैं, तो 5,570, जो कि परसेंट के फॉर्म में होगा आपका 1.96%। अगर पूरक की बात करें कुल कितने स्टूडेंट पूरक आए हैं, तो वो है आपका 2,035 स्टूडेंट मात्र पूरक परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। कुल जो फेल हुए हैं ना, कुल जो फेल हुए हैं वो है आपका 5,277, इतने स्टूडेंट कुल मिलाकर फेल हुए हैं, जिसमें बॉयज़ की संख्या है आपका 3,024 और गर्ल्स की संख्या है आपका 2,051। तो ये आपका पूरा डिटेल्स था फीजी बोर्ड 2021 कक्षा 12वीं के लिए। तो इसको देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा वो परफेक्ट बेस में अगर होता है तो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, आपको कितना मारा मारी करना पड़ सकता है। तो बस यही वीडियो में आपको बताना था कि जो आपका ये हिस्ट्री क्या है क्लास 12th का इस साल का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ शेयर भी कर दीजिए इसको ताकि सभी को ये पता चल जाए कितना कंपटीशन है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।